अब जैसे ये मैं कंपिटिटिव जेएस स्क्वायर इंग्लिश 9, 10, 11, 12, अब 9, 10, 11, 12 अब इसलिए क्योंकि पहले 11, 12 सीधे मैं 11, 12 एंड कंपटीशन लिखता था, लेकिन 9, 10 अब इसलिए क्योंकि 9th से ही अब हायर क्वालिफिकेशन से बात की गई है, हायर क्वालिफिकेशन की बात की गई है। अब जैसे यहाँ पर है कि ये मेरा कोचिंग का नाम हो गया JS Square English 9, 10, 11, 12 स्पोकन फॉर ऑल इंग्लिश एंड BEd KVS केंद्रीय विद्यालय NVS CTET ऑल टेट्स एग्जामिनेशन स्पेशल फॉर बैंक SSC रेलवे एयरफोर्स नेवी NDA मोबाइल नंबर ये हुआ। इस नाम से ये कोचिंग दरभंगा में चलती है। सिलेबस ये रहा कंपिटिटिव ग्रामर कंटेंट्स, तो व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर ये मैं बेसिक पढ़ाने के लिए यूज़ करता हूँ। सेंटेंस टेंस WH क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक रिमूव टू क्वेश्चन टैग डिग्री एम्फैटिक विद डू डज डिड सिंपल सेंटेंस ऑफ टेंस। उसके बाद है सिंपल सेंटेंस ऑफ सेंटेंस में इसमें आ जाएगा सेंटेंस वॉइस आउट ऑफ वॉइस मिड वॉइस कोसी वॉइस या हर तरह के वॉइस आते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात की जाए ग्रामर की तो नरेशन टाइम एंड टेंस एक्जिलरी वर्ब मेन वर्ब। उसके बाद है प्रपोजिशन एडम्स फ्रेज सेंटैक्स स्लैंग्स कैप्सूल आर्टिकल नॉन ट्रेडिशनल ओल्ड का ओल्ड मॉडर्न सभी के आधार पर नॉन का नंबर नॉन का जेंडर नॉन का केस प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कंजंक्शन सेंटेंस पैटर्न कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है स्पोकन इंग्लिश डिस्कशन क्लास। उसके बाद इसमें आ जाएगा इस तरह से ये आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा इसमें अब सही है। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा नरेशन टाइम एंड टेंस एक्जिलरी वर्ब मेन वर्ब प्रपोजिशन एडम्स फ्रेज सिंटैक्स कैप्सूल स्लैंग्स कैप्सूल ये सब आर्टिकल नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब कंजंक्शन सेंटेंस पैटर्न कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्पोकन इंग्लिश डिस्कशन क्लास एनालिसिस रूल फॉर चूजिंग सब्जेक्ट हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट। ये सब आपको स्ट्रक टोटल कंटेंट्स हुआ ग्रामेटिकल का। उसके बाद है पैसेज सपोर्टिंग एरर कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्पेलिंग्स पीक्यूआरएस एडम्स फ्रेज इम्प्रूव सेंटेंस। उसके बाद हाउ टू फाइंड एक्टिव पैसिव